तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ 3D प्रिंटिंग से बन रहा है रॉकेट। ये थोड़ी सी अजीब लग सकता है आपको, लेकिन दोस्तों ये नई न्यूज़ जो कि है बहुत नई नहीं है, ये तकरीबन 10 से 11 महीने पुरानी न्यूज़ है और ऐसे में इसके बारे में अपडेट रखना आपको किसी ने ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा था इतनी पुरानी न्यूज़ है तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस पहले से ही होगा, लेकिन इसके बारे में हिंदी में एक भी वीडियो नहीं है। तो मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ प्रॉपर ये चीज़ है क्या। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता ही है। और आपके दिल में अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज़ को लेकर तो कॉमेंट में बताना जरूर, बिल्कुल ये मतलब एकदम ज़रूरी चीज़ है यार, बताओ तभी मैं उस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करूँगा और आपको एक सही जो कि है जवाब दे सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को समय की बर्बादी को ना करते हुए। सब्सक्राइब कीजिए टेक इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा रफ्तार पकड़ चुकी है कि आज के दिन ऐसा कुछ हो जाए कि कल की एक नई टेक्नोलॉजी को आपको पुराना बोल दिया जाए तो इसमें आप हैरान नहीं होते हो, क्योंकि आपको पता है कितनी रफ्तार से अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजी की कि यहाँ पे कोई नई चीज़ पुराने बनने में ज़्यादा देर नहीं लगाती। ऐसा ही कुछ हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ऑर्बेक्स नाम की एक कंपनी है जो कि UK बेस्ड है और उन्होंने 3D प्रिंटिंग से रॉकेट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके बारे में बताना आपको ज़रूरी है और इस वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है इन चीज़ें। यहाँ पे 3D प्रिंटिंग के जरिए रॉकेट को तो बनाया जा ही रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मटेरियल उनको यूज़ करना ही था। तो यहाँ पे बॉडी और इंजन को बनाने के लिए यहाँ पे जो रिसर्चर्स जिस चीज़ की यूज़ कर रहे हैं वो है कार्बन फाइबर और साथ ही साथ एलुमिनियम। तो चलो यार, रॉकेट में कई जगहों पे एल्युमिनियम का यूज़ तो किया जाता है, लेकिन कार्बन फाइबर कभी भी यूज़ नहीं किया गया है। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एक जो कि है कार्बन फाइबर की बॉडी वाला रॉकेट या फिर आप स्पेस से कुछ भी कहिए, ये जब स्पेस में जाता है तो क्या कुछ सक्सेस मिल पाता है या फिर नहीं। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए इसकी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें के बारे में, तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर बहुत सारे लोगों को जो कि ये भरोसा नहीं है, लेकिन इसकी अच्छी चीज़ें ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा अगर इसको आप कंपेयर करते हो आज की डेट में बनने वाली किसी भी आम रॉकेट के साथ। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इसकी वेट की, तो कॉमन सी एक बात है, जब मटेरियल इतनी हल्की होगी, जब कार्बन फाइबर और एल्युमिनियम से टोटल रॉकेट के इंजन तक को बनाया जाएगा, इसकी वजन जो है वो बहुत ही कम होगी। और यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसके वजन जो कि है नॉर्मल किसी रॉकेट के मुकाबले 30-40% कम होने वाला है। यहाँ पे वजन कम होने का एक और भी अच्छी सोर्स ये बन जाता है, जब किसी चीज़ की वजन कम हो जाती है तो उसको लिफ्ट अप करने के लिए जो थ्रस्ट की ज़रूरत होती है वो भी बहुत कम लगता है, जबकि ज़्यादा वजन होगा तो ज़्यादा थ्रस्ट लगेगा। इसकी फ्यूल जो कि है, फ्यूल कैपेसिटी वो भी थोड़ा अजीब टाइप का बन रहा है, क्योंकि इसकी फ्यूल जो कि है ये एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करके खुद को ही रिफ्यूल कर सकता है। अगर बात किया जाए इसकी जो फ्यूल सिस्टम है उसको तो कूल रखना ही पड़ेगा अगर ज़्यादा दूर तक जाना है, तो उसके बारे में कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसकी छोटी सी छोटी पार्ट को भी 3D प्रिंटिंग में बनाया जा रहा है। अगर आप बात करते हो ना 3D प्रिंटिंग की, तो आज तक 3D प्रिंटिंग को यूज़ किया जाता है बेसिकली कुछ मॉडल्स बनाने के लिए, कुछ डमी बनाने के लिए या फिर ऐसे ही यूजलेस चीज़ों को बनाने के लिए जो एक आम जिंदगी में शायद ही काम आए, लेकिन कोई बड़े स्केल पे इस चीज़ को काम में नहीं लिया जाता था। अब 5-6 महीने पहले जो कि है एक अपडेट आया था कि बाहर की जितने भी कंट्रीज़ है वो कोशिश कर रहा है 3D प्रिंटिंग से घर बनाने की। तो यहाँ पे उस चीज़ का एक फ़ायदा ये होता है, बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स को यूज़ कर लिया जाता है जो कि नेचर के साथ घुल मिल नहीं सकते थे या फिर उससे नेचर को बहुत ही डैमेज पहुँच सकता था, तो उन चीज़ों के यूज़ हो जाता है और इन घरों को बनाने में आम घरों से बहुत कम पैसे लगते हैं और रेडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे में ये चीज़ें तो है बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन, लेकिन अब स्पेस टेक्नोलॉजी में भी 3D प्रिंटिंग जो कि ये कमाल की कामें कर रही हैं, और ऐसे में देखते हैं दोस्तों कब तक जो कि है इसको फाइनली लॉन्च किया जाता है। एक जो प्रेडिक्शन किया गया है 2021 में इस रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ये कन्फर्म डेट नहीं है, उस डेट को उस साल को इस रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है, ये बस एक प्रेडिक्शन है या फिर रूमर्स लीक, आप जो चाहे वो कह सकते हैं। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा बताना बिल्कुल ही मत भूलो और मिलते हैं एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। और जाने से पहले भाई एक लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को प्रेस और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलो, क्योंकि ये वीडियो ढूंढ के देख लो मेरे अलावा YouTube में कहीं और नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, गुड।